अस्सलामु अलैकुम। आपके खूबसूरत शहर में हाजिर हैं हम, आज का शो लेके यहाँ पे आए हैं, जिसमें सुल्तान राही हैं, गोरी साहिबा हैं, परवीन बाबी हैं, मुनीर हुसैन हैं, तरन्नुम नाज हैं, ए नैयर हैं और आपका ये खादम हुसैन पट्टी है। अगर नाम आता है आपको तो पता, अगर नाम नहीं आता तो लांत भेजो, मैं भी दसी जमा मेरा यह ना है। अगला कहे कौन है, थोड़ी देर बाद उन्हें शक पवे, कहता है तारक अजीज से नहीं, तो जे तुसी तारक अजीज ही मैंने कहना है तो मैं जरूर दसा मैं कौन है। सो एंड व्हाट्स इन अ नेम, यू कॉल द रोज बाय एनी नेम, इट विल स्मेल एज स्वीट। आई एम योर्स फेथफुली दिलदार परवेज भट्टी। आज के इस शो के लिए, जिस तरह से हम कबाना रेस्टोरेंट के शुक्रगुजार हैं, गल्फेयर के शुक्रगुजार हैं, हम जसीम अल रियाज ज्वेलर्स के शुक्रगुजार हैं जो ताज पहना रहे हैं, और जहाज़ों के मुहाफिज पेंगुइन के, फ्यूजी फिल्म के और मतम रावी। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, और वो आवाज़ जो पहम रवा पहम दवा पहम जमा है आज भी हमारे साथ हैं। आपने उनके गाने सुने हैं, आपकी का बचपन उनके साथ गुजरा है, पुराने हीरोज़ के पीछे जो आवाज़ दिया करते थे। हम शो शुरू करेंगे ऊंचे सुरों से, मुनीर हुसैन। वालड़िए नी मेरी बंजली भी तू
ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਜਲਦਾ ਪਿਆਰ ਨੈਣਾ ਬਾਲੜੀਏ ਬਹਾਰ ਡੁੱਲੇ ਨੇ
तेरी नगरिया में आए, ओ हम तेरी नगरिया में आए। तुम जुग जुग जियो महाराज रे, आस नई लिए मन में, मन में, मन में, आस नई लिए मन में, तेरे हम आए, आए पास तेरे हम आए। बन के सवाली जाए न खाली, जाए न खाली, तेरे हाथ हमारी लाज रे। हम तेरी नगरिया में आए, ओ हम तेरी नगरिया में आए। तुम जुग जुग जियो महाराज रे, प्यास बुझा जा, सामने आ जा, सामने आ जा, बिन देखे न जाऊं आज रे। हम तेरी नगरिया में आए, ओ हम तेरी नगरिया में आए। तुम जुग जुग जियो महाराज, 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 इनको हम प्यार से चचा मुनीर हुसैन कहते हैं। वैसे ये चचा हैं नहीं, ये जितने ज़बरदस्त उस ज़माने में थे उतने इस ज़माने में भी हैं। बेटा मसीकी का प्रोग्राम सुनो ना, सिर तो नमाज वाली टोपी तो ला ला, एक नमाज वाली टोपी बड़ी सजावट मिल गई मुसलमानों को। सो जनाब इस वक्त हम आपको हंसाएंगे, एक नया नाम है कॉमेडी की दुनिया में, मेरा प्रोग्राम पंजनत है, उसमें पहली दफा आए थे, नए फनकार उसमें आते हैं। यार फोटो खिंचाना मेरी कमजोरी है, साह बंद करना पड़ता, बचपन की आदत है सानू, जदों फोटो खिंचान लगे हैं कड़िक होइए तो हिले हैं, साह बंद कर लिया, बिल्कुल फोटो होने लगी, एक्सरे होने लगे। तो जनाब पंजनत में आए, नीलाम घर में आए, ईद शो में आए, वन मैन ऑर्केस्ट्रा, वन मैन कंप्यूटर, उनके गले में कई कई आवाजें हैं, तशरीफ लाते हैं, आपको हंसाने, आपका दिल लुभाने, सईद सीकी। माज़ूस खातीनो हजरात, तमाम सुनने वालों की खिदमत में सईद सीकी सलाम अर्ज़ करता है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश करनी है, जो बहुत ज़रूरी हुआ करती हैं, कि फ़नकार बजाते खुद कुछ नहीं होता, पब्लिक के रिस्पॉन्स से सब कुछ हुआ करता है, और तालियां फ़नकार के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं,
अगर तालियां बजती रहें तो फनकार जिंदा है, नहीं तो फिर फड़क के थले जा बंदा। मौजूद खातीन हजरात, पाकिस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री है, किसी कॉमेडी फनकार ने अगर किसी लेडीज गुलकारा की कॉपी करने की कोशिश की है तो वो सिर्फ मलका तरन्नम नूर जहाँ की। मगर अल्लाह के फजल से अपने इस एक गले में से 7 लेडीज टोन वाजिया करके पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया है। अपने इस एक गले में से मलका तरन्नम नूर जहाँ, नैयरा नूर, सलमा आगा, अफशा बेगम, फरीदा खानम, मुसरत नज़ीर और पठानेहा पेश कर रहा हूँ। आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। काम थोड़ा सा सेंसिटिव है, अगर इसको आप तवज्जो से सुनेंगे तो यकीनन आपको महसूस करूँगा। मलका तरन्नम नूर जहाँ ने गीत गाया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। इस गीत का स्टार्ट और वाइंड अप दोनों ही मुश्किल हैं। अगर इस गीत को फीमेल गाए तो उसके लिए मुश्किल है और मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल, चूँकि मैं मेल हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, इसका स्टार्ट क्या है और इसका वाइंड अप क्या है और इसकी मेलोडी क्या है। मलका तरन्नम नूर जहाँ, मज़ेस खातिन हजरात, नैयरा नूर की कॉपी करना ऐसे है जैसे चलते आ रहे में हाथ बड़ा, बैठे बैठे से बड़ा थका थका सा टोन है। रूठे हो तुम, तुमको कैसे मनाऊं पिया, किस तरह गायों ने। मेरी फेवरेट सिंगर हैं, बड़ी सुरीली आर्टिस्ट हैं,
और टेक्निकल हजरात का ये कहना है कि नैयरा नूर की कॉपी करना बहुत ही मुश्किल काम है। उसका टोन क्या है? मुलाजफ माई नैयरा नूर। अंसारी साहब ने कराची टेलीविजन से सलमा आगा की कॉपी की। मैंने भी कोशिश की है इसको सलमा आगा की कॉपी करने की। मुलाजमाएँ मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं मेल हूँ और लेडीज टोन बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये डगी का काम है। मुलाजमाएँ के सलमा आगा का टोन क्या है? समा भी है जमा जमा, हवा भी है रवा दमा, सलमा आगा नूर जहाँ के बाद पाकिस्तान में एक ऐसा आवाज़ रूनुमा है जिसकी रेंज ज़्यादा है, जरा बड़ा टांटा जी आवाज़ है। अफशां बेगम का आवाज़ पेश करना भी बड़ा मुश्किल काम है। और देले कैसे तानी तोड़ी दा सजना मुख नहीं मुड़ी दा और जाने जहाँ कहने वैसे एडा बड़ा फेफड़ा चाहिए। मुलाजम माओ के उन्होंने की टोन एक ऐसा आइटम आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो देखने और सुनने से ताल्लुक रखता है। मेरे चेहरे की तरफ ध्यान रखिएगा, खास करके अपनी बहनों के लिए आइटम पेश कर रहा हूँ कि जब फरीदा खानम गाती हैं तो उनकी आंखों की क्या परेशानी है। सारी नुकी वक्त पे आया, तमाम हालात आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उनका टेलीविजन पर एक आइटम चला करता था, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं। मेरे चेहरे की तरफ ध्यान रखिएगा कि जब वो गाती हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन क्या बांधते हैं। मलज हमारे कुड़ाली ना पै जाए। दिलदार साहब का प्रोग्राम चलता था मेला, उसमें दो दफ़ा ये आइटम पेश किया, एक दफ़ा ईद मिलन शो में टेलीविजन के प्रोग्राम में किया। यानी ये वहाद एक ऐसा आइटम है जो तीन दफ़ा टेलीविजन चला और लोगों ने इस आइटम को बेहद पसंद किया। मुसरत नज़ीर ने गाया मथे दे चमकन वाल मेरे बनड़े दे, इसे गाने मगर पठाने हाँ साहब अपनी गोर गर्दन दे गाणगे तो किवें गाणगे। पहले मुसरत नज़ीर उस सब पठाने हाँ चमकन वाल मेरे बनड़े दे, मथे ते चमकन वाल
पठाने हां साहब अपने अंदाज भी सुनाएंगे ते किसना सुनाएंगे मुलाजफम खुशी का गाना है उन्होंने सोर यहो जो लाने ने जिमें को मर गया है आलियां पोलियां दियां कुड़ियां रल मिल के कठियां बैठियां सन उन्होंने में दुख पे क्यों बैठियां सन मथे मथे वो किसे बंदे ने पूछे कि ये करके क्यों गांदे ने मैं क्या बर्फ ते बह के गांदे ना मथे 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 उते मथा जिन पहाड़ों लथा वा 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 मथे दे उते करके ऐथों में पिछे करके चमकन वाह मेहरिया बन रहे दे मथे ते कोई नहीं वाल मेहरिया बन रहे दे मथे ते टावा टावा वाल मेहरिया बन रहे दे मथे ते किते किते वाल मेहरिया बन रहे दे मथे तो चढ़गन वाल मेहरियो बन रहे दे मथे ते चमकन मसाम मेहरियो बन रहे दे धूप नाल होया बुरा हाल मेहरियो बन रहे दे ना चाची जो चाचा घड़ी बचूहा नाचा घड़ी ने एक बजाया मथा नीचे आया मथे ते चमकन वाह मेहर बन रहे दे मथे ते चमकन वाल मेहर बन रे बड़ी जलील करा दी औलाद बंदे नूं चंगा भला बंदा लिशक पुछ के आया होवे विचों इक अद्धा बाल बोलदा सब नूं पता लगदा है कौन ने जनाब आपने बहुत पसंद किया सईद सिक्की साहब को आपकी मेहरबानी वो दोबारा भी आपके खिदमत में आएंगे इस वक्त मैं पेश कर रहा हूँ एक ऐसी आवाज़ जो मर्दाना वजाहत लिए हुए है नई पाकिस्तानी उर्दू फिल्म उनकी आवाज़ के बगैर नहीं बनती हेयर ही कम्स He comes to conquer a nayar. छोड़ेंगे रस्मों को तोड़ेंगे दुनिया को छोड़ेंगे दिल ने किया फैसला साथी मुझे मिल गया
अजनबी, हम भी थे अजनबी। तुम भी थे अजनबी, हम भी थे अजनबी। खेल ही खेल में बात ऐसी बनी, अपने बेगाने में सारे जमाने में, अपने बेगाने में सारे जमाने में मैंने तुम्हें चुन लिया। साथी मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। रस्मों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, रस्मों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे। दिल ने किया फैसला, प्यार कैसे हुआ। प्यार फिर प्यार है, चाहे जैसे हुआ। जान से प्यारे हैं आप हमारे हैं, जान से प्यारे हैं आप हमारे हैं। मर के ना होंगे जुदा, साथी मुझे मिल गया, रस्मों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, रस्मों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे। दिल ने किया फैसला, ला 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 ला। Thank you very much. Thank you. दीवार टूट गए सब
काबू खुशी के प्यार हुआ नाकाम। मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। मुझको कुछ बिगड़े हालात, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। अपनी हवा में जल जाना है चाहत का अंजाम। मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम। मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। थैंक यू वेरी मच। जिद न कर इस कदर जान जा, अरे रे रे जिद न कर इस कदर जान जा। हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहां, जो मजा मान जाने में है। अरे रे रे जिद न कर इस कदर जान जा। हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहां, जो मजा मान जाने में है। अरे रे रे जिद न कर इस कदर जाने जा। चेहरा तेरा आंख तेरी कमल, जो भी देखे तुझे गुनगुनाए गजल। याद रखना बड़ा तजर्बा मुझको नींदे चुराने में है। अरे रे रे जिद न कर इस कदर जाने जा। हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहां, जो मजा मान जाने में है। अरे रे रे जिद न कर इस कदर जाने जा। मेरी बन जाएगी तू जरूर एक दिन, छीन लूंगा तेरा
न कर जिद न कर इस कदर जाने जा हर्ज क्या मुस्कुराने में है वो मजा रूठने में कहां जो मजा मान जाने में है अरे रे रे जिद न कर जिद न कर इस कदर जाने जा अरे रे रे जिद न कर इस कदर जाने जा अरे रे रे जिद न कर इस कदर जाने जा थैंक यू तो आपकी खिदमत में पेश करते हैं हम अभी तक हमने मर्दाना शो दिखाया है अब हम आपको ले जाएंगे गजल की दुनिया में गीत की दुनिया में तशरीफ ला रही हैं तरन्नुम नाज तरन्नुम साहबा के बारे में मैं ये कहा करता हूं कि इनकी आवाज में सुर है लय है चाशनी है और चमक है बिजली की
माफी चाहता हूं मैं, लेकिन इस गाने को अगर दोआच्छा बना दिया जाए तो कैसा अच्छा है। सोने की तवीतड़ी भी है, सोने जैसी आवाज भी है, और चांदी का बदन भी इसमें आ जाए। Here she comes to swing and sway before you। आपसे इल्तमास है, आप गाती रहिएगा। प्रवीण बॉबी साथ दिया। प्रवीण बॉबी भी आई हैं, और अब एक गाना है ये हम सुनाएंगे। दिस इज फॉर द लिस्टिंग फ्लायर ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त हैं और मेरे दोस्त के बड़े भाई हैं, जनाब इकबाल हुसैन लखवेरा। यहां बैठे हुए हैं, आपके कलम में जहर है और दिल में मोहब्बत है। लुडी है जमालो,
जनाब आप मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके खिदमत में पेश करूं शोला जवाला कत्ताला आलम दफा 302 इरादा कत्ल। और मैं एक ऐलान कर दूं, हॉल में मौजूद अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो चला जाए, हार्ट पेल्पिटेशन वाले भी चले जाएं। डॉक्टर अनवर साहब, डॉक्टर अनवर साहब, जनाब एमरजेंसी होनी है उन्हें, जिन्हें मरीज ने उन्हों का ध्यान करो, क्योंकि बड़ा खतरा है इस वक्त। तशरीफ ला रही हैं गौरी। आपके कहने की जरूरत है। खावतीनों हाजरात, आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम। इन्हें सलाम कीता के नहीं? नहीं ये मैंने नहीं कहा, ये सिखा रहे हैं। वो भी समझते हैं कि जब खातून नहीं कह रही हो तो उसका मतलब हाँ होता है। सलाम ही तो अनु कीता उन्होंने। लो जी फोटो खिंचो मेरी। हाय 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 हाय, ए मैं ताडे नो खिचाई है। गौरी आपको दुबई कैसा लगा? बहुत अच्छा, यहाँ के लोग और यहाँ की ख़ास तौर पे हमारे परदेसी दोस्त जो हमारे सामने हैं, इन सब के बीच में आके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। वो कहते हैं कि तस्वीर रंग जन से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत और मर्द जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं। मेरा ख्याल है अगर फिल्म की हीरोइन आई है तो एक हीरो को भी बुलाया जाए। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरख कौन कांप रहा है। हियर ही कम्स शेर पाकिस्तान सुल्तान राही। थैंक यू। मारो सारे पलक। भैया थोड़ी मेहरबानी कि तुझे सारे ने अपने प्यार खलूस और मोहब्बत नाल सानू सारे नू बुलाया है। मैनू पंजाब के लोग कहते हैं बेताज बादशाह फंदा सुल्तान राई फंदा शहनशाह, मगर दुबई वाले जीत गए हो। तुसी मैनू ताज पवा के ताज वाला बादशाह कर दिता है और मैं थोड़ा ताबेदार हाँ सारे का। ठीक है लाओ वैसे करते अपनी जीत ते एक नारा लाओ। हाँ राही साहब की जिंदगी दे इच कोई मोहब्बत नहीं। जड़ी फिल्म चांदने ने सवाए इंतकाम दे और इंसाफ दे कोई गल नहीं। नरम लहजा नहीं, हत्ता के इथो तक कि हिरन बेचारी गाना सुनाती है तो कहता मैं नहीं सुनना, आकड़िया रहा। गौरी अगर हम आपसे फरमाइश करें कि आपकी फिल्म नागन जोगी का गाना जो आप पे और आगा साहब पे पिक्चराइज हुआ है, वो इन सब के सामने हम बताएं कि गाना फिल्म में पिक्चराइज कैसे होता है। इजाजत? फिल्म नागन जोगी, गाना गौरी। तुहानू पता नहीं गा बेटा, है 1 लाख रुपए की जुम्मी है, सारी फिल्म का 6 लाख। आपका एक गाना आपकी इजाजत से, बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। सुल्तान राही साहब जैसे वेंडेटा वाली फिल्में होती इंतकाम की, इंतकाम लेते हैं। इस वक्त आपके सामने गाना पिक्चराइज होगा फिल्म नागन जोगी का, एक्सप्रेशन होंगे
two, three, four. मैं इल्तमास करूं काफ़ो ब्रादरान से, इनकी पहली फिल्म थी अनवरा, उसमें गाना जबान ददयाम हुआ सुनवे बुलारी अख वालिया, और उस गाने में असल कमाल जो था वो रिदम का था, कांगोस का और तबले का। हम चाहेंगे कि अमजद साहब भी तशरीफ ले आए और हमें उसी दुनिया में ले चलें। सुनवे बुलारी अख वालिया, आफ्ताब आप लीड करेंगे। भाग जी बड़े खूबसूरत लगते हैं आप, ये एकॉर्डियन इतना खूबसूरत साज है, इसके लिए किसी वजी आदमी की ज़रूरत है, आपको ये मिल गया। अमजद साहब आप भी बैठिए, सुन वे बुलारी अख वालिया। Thank you.
जनाब हम फिर आपको माजी की तरफ ले जाते हैं, जो पहम रवा पहम दवा पहम जमा है, करार लूटने वाले करार को तरफ से खूबसूरत आवाज आपको फिर वहीं ले जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आएगा कि यही आदमी गा रहा है, मुनीर हुसैन। बाहर आए मगर तू बाहर
ओ दुनिया मतलब दी यारो ते मतलब दे यार बथेरे अगले दुख मैं को भूल देना ते दुख लग गए होर बथेरे भुख लगे फल तू तेरा कोई ना किसे दाएत बार ना करी भुल जाऊं किसे दे नाल प्यार ना करी ओ भुल जाऊंया किसे दे नाल प्यार ना करी तेरा जेंटलमैन इन्ना अखियां दा लाउणा सेज सूला उत्ते सौणा दम सुख दा नाउणा वाई साइन ऑफ इंटरोगेशन क्यों इन्ना अखियां दा लाउणा सेज सूला उत्ते सौणा ते दम सुख दा नाउणा क्यों ए मैं जनाब दी खिदमत पेश कर रहा कि क्यों इन्ना अखियां दा लाउणा गा इन्ना अखियां दा लाउणा जो बन जवानी चार दिन खुशबियानी चार दिन ए जिंदगानी चार दिन सारी कहानी चार दिन ए भी जवानी दा मजा ओ कोई सी जो ले गया मैं देखता ही रह गया मैं देखता ही रह गया परछावां सी बहार सी चार दिन
कोई वरी ले गया मैं देखता ही रह गया मैं देखता ही रह गया दर दर फिराया इश्क ने जोगी बनाया इश्क ने दिल पुचाया इश्क ने पर हीर सी जो दोस्तों जो सैदा खेड़ा ले गया मैं देखता ही रह गया मुनीर हुसैन साहब आइए एक गाने की फरमाइश जरूर होएगी इस वास्ते कि दूसरे की फरमाइश भी सुन ली दी है जमाल महमूदी साहब नईम साहब रियाज साहब और ख्वाजा जहीर साहब की फरमाइश अभी नहीं टाल सकते जब तेरे शहर से गुजरता हूँ क्योंकि वो गाने ने जेड़े डिस्को का भी मुकाबला कर रहे हैं इस वास्ते जेड़ी फरमाइश अभी जरूर पूरी करांगे सुन ली दी है किसी ने कोई गल नहीं बगानी बनैन पा आए हैं जब तेरे शहर से गुजरता हूं दिल भी करता गुजरता हूँ तेरी रुसवाइयों
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾ ਗਰਚੇ ਤੂੰ ਰਹੀ ਮੁੱਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕਰ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕਰ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਖੈਰ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੀ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਝਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜਬ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਹੂੰ तेरे बाद दिन गुजारा है किस तरह मैंने रात कैसे ढली है तेरे बाद रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। अब जनाब आपकी खिदमत में वही आ रहे हैं जिन्होंने आपको हंसाया था। कंप्यूटर उनकी आवाज में है, दो लतीफे उनके समझने वाले हैं और अखीर में वो आपको बकरियों का मुशायरा सुनाएंगे। सईद सिकी। बाज़ ख़ातिन हज़रात, एक बार फिर आपकी अदालत में मेरे कुछ बहन भाई यहाँ पढ़े लिखे बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक नुस्खा छोड़ रहा हूँ, उम्मीद है कि आप पसंद फरमाएंगे। एक पहलवान सी वो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाके को 3-4 साल उत्थे रहा। जदों 3-4 साल उत्थे रहा पहलवान नू काफ़ी सारी अंग्रेजी चढ़ गई। अंग्रेजी जिहड़ी सी अपने पल्यों बोलता सी, ग्रामर दी रूह नाल नहीं अपनी जिम्मेदारी दी, भाई मैं पहलवान हां मैनू किसी ने की पुछना। पाकिस्तान आया अपने हलका बाब विच काफ़ी सारा रोह पाया कि मैनू काफ़ी सारी अंग्रेजी आती। हुण अंग्रेजी जिहड़ी सी देखना है कि अपने पल्यों बोलता सी, ग्रामर दी रूह नाल नहीं। अंग्रेजी की बोलनी है मलद फमाओ कि एक दिन उनका दिल किया अज मैं सिरी पावे खावा। दुकान पर गया, दुकान पर जाके देखे उन्हें बहरा खलोता है, उन्होंने बहरे की अंग्रेजी की बनाई है। कहता ओ डैफ कम हेयर। वो बहरा आया, उन्हें के देखा एक बेवकूफ आदमी, और कहता जी जनाब। कहता ब्रिंग फुट एंड हैड। वो सिरी पावे लैके आ गया, उन्हें खाधे, बड़ा मज़ा आया उन्हों। तो एक प्लेट होर मंगवाना चाह रहा सी, ओदी अंग्रेजी की बनाई। कहता ओ कम हेयर ब्रिंग वन प्लेट एंड। खा के बहुत मज़ा आया, ओदा इजहार किस तरीके ने करे द टेस्ट हैज कम। फारग हो गया दुकानदार, कहता ओ ब्रिंग बिल। हुण दुकानदार जी ने बिल बनाया तो तारीख पानी याद नहीं रही। पहलवान उन्होंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, कहता ओ ब्लैडी फूल ओ पुट हिस्ट्री ऑन इट। तारीख पानी याद नहीं रही। खा के फारे होकर के चले गए। पहलवान उन्होंने शादी हो गई, शादी करके अपनी बीवी ने सीधा इंग्लैंड लैके चले गए। मैनेज तो वाकफ नहीं सन, सड़क के विचकार खलो के अपनी बीवी ने बिल्डिंगा दिखा रहे। कहता लुक लुक टाल टाल कंस्ट्रक्शन, लुक लुक लुक। और लुक लुक कर भावें पिछों को बजरी पा दे, एक पिछों मेम आई, उन्हें रौला ही पाना शुरू करता। ओदी बीवी ने बड़ा गुस्सा चढ़िया, कहती हाँ हाय टुट पैनी मेम तानू अंग्रेजी गाला कढ़न डई जी, तानू अंग्रेजी आंदी है ना। कहता बस मोटर सवेरे सवेरे आंदी। नहीं
ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਬੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਈ ਹੁਣ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਮ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਦੀ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਕਮ ਟੂ ਸਕੂਲ ਲੀਵ ਫੋਰ ਟੂ ਡੇਜ਼ ਯੋਸ ਓਬੀਡੈਂਟਲੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਮ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਮ ਐਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕਰਤੇ ਮੇਮ ਤੇ ਐਂ ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਥਰਸਟੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਯੇ ਜਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਤੀਫੇ ਕੋ ਆਪਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਪੇ ਜ਼ੋਰ ਡਾਲ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੀ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਨਿਹਾਰ ਕਲੇਜੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਿਪਟਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈਟਮ ਆਪਕੇ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਮੇਂ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਕਰਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਅੱਕ ਸੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਕ ਸੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਂਤ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਂਤ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਵੱਜੋ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਤਾ 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 ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤਾ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੀਤਾ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੀਤਾ ਸੜੀ ਭੁੱਜੀ ਬੈਠੀ ਰੋਸਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮੀਤਾ ਅਗਰ ਹਾਲ ਮੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਤਾ ਮੀਂਦ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੀਤਾ ਸੜੀ ਭੁੱਜੀ ਬੈਠੀ ਰੋਸਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਮੀਤਾ ਮੀਤਾ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕੁਕੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੀਤਾ ਅਗਰ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇਗੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੀਤਾ ਮੀਤਾ ਸੋ ਜਨਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਦੋਸਤ ਏ ਨਈਆ ਨਈਆ ਆਪਸੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਉਭਰਤੇ ਹੋਏ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਮੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮੋ ਮੇ ਹੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀਰੋ ਲੜਨੇ ਮੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀਰੋ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨੇ ਮੇ ਕੁਛ ਹੀਰੋ ਨਾਚਨੇ ਮੇ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਹੀਰੋ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮੋ ਕੇ ਮੂਨ ਉਨਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੇ ਆਪ ਗਾਨਾ ਸੁਣਾਏਂਗੇ ਵੋ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਨਾਚੇਂਗੇ ਔਰ ਵੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਦੇਖਾ ਨਾ ਥਾ ਕਭੀ ਹਮਨੇ ਯੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਾ ਨਾ ਥਾ ਕਭੀ ਹਮਨੇ ਯੇ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ
दिया सोचा ना था हो गए सपनों में हम देखा ना था कभी हमने ये समान ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था हो गए सपनों में हम छाओ में सारे जमाने को छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्म को तोड़ तोड़ चले हो तेरी पलकों की छाओ में सारे जमाने को छोड़ छोड़ चले देखा ना था कभी हमने ये समाज कैसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था हो गए सपनों में हम हमें प्यार तेरा चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा आंखों से दिल में समाएंगे करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा जब से मिला हमें प्यार तेरा चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा आंखों से दिल में समाएंगे करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा देखा ना था कभी हमने ये समा कैसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था हो गए सपनों में हम देखा ना था कभी हमने ये समा कैसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था हो गए सपनों में हम थैंक यू My music director, Mr. Tafo, he's with me. इनके गाने से शुरू किया था इनका गाना दोबारा गा रहा हूं एक बात कहूं दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा Tafo भाई जरा एक दफा खड़े हो जाइए प्लीज He is the music director for this song. He did it. Thank you very much, sir. You've given a very good song for me. And I'm calling Dildar Bhatti also here in this song. We will perform together. If anybody wants from the backstage, if you want to come, it's okay. If he is welcome. बात कहूं दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा एक बात कहूं दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा तू सुर है मैं एक तारा तेरे इश्क ने हमको मारा एक बात कहूं दिलदारा तेरे इश्क ने हमको मारा तू सुर है मैं एक तारा तेरे इश्क ने हमको मारा
दस्त आंखों को कैसे कह दू पैमाना, तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दू पैमाना, तेरी चाल कयामत लाए तेरी ठोकर में मैं खाना, क्या रूप है क्या नजारा तेरे इश्क ने हमको मारा, क्या रूप है क्या नजारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूं दिल सारा तेरे इश्क ने हमको मारा, चमन में आया फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया, फुर्सत में बैठ कर जैसे रब ने है तुझे बनाया, तू हुस्न कब छह पाला तेरे इश्क ने हमको मारा, सुन कब चह पारा तेरे इश्क ने हमको मारा, एक बात कहूं दिल सारा तेरे इश्क ने हमको मारा, किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया, फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया, फुर्सत में बैठ कर जैसे रब ने है तुझे बनाया, तू हुस्न कब छह पारा तेरे इश्क ने हमको मारा, बात कहो दिल तारा तेरे इश्क ने हमको मार, एक बात कहो दिल तारा तेरे इश्क ने हमको मार, एक बात कहो दिल तारा तेरे इश्क ने हमको मार, एक बात कहो दिल तारा तेरे इश्क ने हमको मारा। थैंक यू। बाबा बुल्ले शाह कहंदा मैनू नचना च यार मना लैण दे, मैनू नचना च यार मना लैण दे, कंजरी बनिया मेरी इज्जत ना कटती। और मैं नाच नहीं रहा था, जवाल महमूद साहब, रियाज साहब, खाय साहब, मैं दस रहा था लाहौर च हॉर्स एंड कैटल शो किवें होंदा, मेला मवेशिया किवें होंदा, मैं दस रहा सी। अब हम फिर आपको म्यूजिक और गनाइयत में ले जाएंगे, जिसके बाद फिर गोरी और सुल्तान रही आएंगे, फिर उनकी ताकपशी होगी। लेकिन उससे पहले एक स्टेप है, तशरीफ लाती हैं हमारी आपकी तरन्नुम नाज। थैंक यू वेरी मच। जब
Thank you.
लिए बहुत तालियां। तरन्नुम आप हमारा साथ देंगी। तरन्नुम साहिबा दिल तमाश है, इनका गाया हुआ गाना सोने दी तवीतड़ी हम दोबारा सुनेंगे। और अब इस गाने के ऊपर ये गाना पिक्चराइज होगा, गोरी पे और राही पे। एक दफा भरपूर तालियां। बड़ी मेहरबानी, इधरों भी आवे जरा। कला उम्मीदवार है, दोवें पासों जित गया, एक सीट छड़नी पैनी फिर भी जी। सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी, और जब आएंगे तो हम भरपूर अंदाज मन का साथ देंगे। गोरी और राही मैं क्या तुम्हारी सारे की ख्वाहिश है कि तुम एक डायलॉग सुना सुनावा, उठ के सुनोगे? बशीरे का एक डायलॉग है मेरा के ओए टोली तो चुक ले जकीरदारा जिन्हा पैरों के वीर जीते हो टोली मारती। बाकी मोले मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। प्यार करते हो सारे
अल्लाह ताला की जात तुहाडियां सारियां मुरादां पूरियां करे, अल्लाह तुहानू खुश रखे, जिउंदे रहो सारे तुसी, सानू प्यार कर दिओ, अल्लाह तुहानू प्यार करे, अल्लाह तुहाडी सारे दी खैर होवे। मैं तो तुहाडा सारिआं दा नौकर हैगा वा, तुसी आवाज़ मारीए मैं तुहाडे कोल आ गया वा, जिउंदे रहो, खैर होवे तुहाडी, सलामत रहो, सलामत रहो सारे, सलामत रहो। मैं परवेज भट्ट साहब से इल्तमास करूंगा, तनवीर उस्मानी साहब से जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, दिन रात मेहनत की वो स्टेज पे आएं ताकि जैसे मल रियाज ज्वेलर्स की तरफ से ताजपोशी की रस्म अदा की जा सके। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की और आपके लिए इस शो को कामयाब किया, इन दोनों के लिए तालियां। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपकी बेनतहा मोहब्बत, बेनतहा आपकी खिदमत और आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद खुशरिया, लेकिन कसरा नफसी से काम लूँगा अगर मैं ख़ास तौर पे अपने ऐसे मोहसन, ऐसे अजीज़ का नाम अगर ना लूँ जिन्होंने नाम सिगारास में रखा। इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आप लोग जानें कि इस इतने बड़े प्रोग्राम्स के लिए जिन लोगों ने हमारे साथ तआवुन किया, आपके सामने पीछे लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा उनके लिए इतनी क्लैप कीजिए ताकि आइंदा हम इसी किस्म के प्रोग्राम हमेशा करते रहें। फातिन हुजा। परवेज भट्ट साहब ने पाकिस्तान के दो चक्कर लगाए और ख़ास तौर पे मैं ये कहूंगा कि हाजी सुल्तान राय साहब और गोरी, ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल शो है, लेकिन इस शो में बगैर किसी लालच के, बगैर प्रोफेशनलिज्म के, सिर्फ आपकी मोहब्बत में ये दोनों आए हैं। ख़वातीनों हज़रात, मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ हाजी सुल्तान राही साहब का, मिस गोरी का और उनके ऑर्केस्ट्रा का, और सबसे ज़्यादा मैं मशहूर और शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्पॉन्सर्स का, जासम और रियाज ज्वेलर्स का, जिन्हों की बदौलत से आज हम इस पोजीशन पे पहुँचे हैं, और अब सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं नाल पलक मार लीजिए, आइए तनवीर और परवेज, ये सादत आपके नसीब में है, रब की तरफ से लिखी गई। जैसमल रियाज ज्वेलर्स की तरफ से ये चमकता मुस्कुराता ताज एक ऐसी पेशानी पे, कहते हैं अंग्रेज की हुकूमत में सूरज नहीं डूबता। आइए तलन, अंग्रेज की हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, हाजी सुल्तान राय की हुकूमत में भी सूरज नहीं डूबता। और यह सारा तुहाडे दुबई वाले की मेहरबानी की वजह तो है। सलामत रहो, सदा सलामत रहो, मैं तुहाडे नौकर हैगा। तनवीर, अब ये हार आप गोरी को पहनाएंगे, लेकिन वो हरकत नहीं करेंगे जो राय साहब के साथ की। बेटा स्टेज के उत्ते बाद खिचा लेंगे, तुहाडी मेहरबानी, इस तरह ना मेरे मेरी जान इंज ना करो, ए मुल्क की इज्जत का सवाल है, बदनजमी ना करया करो। बहुत सी तालियां। रावी रेस्टोरेंट की तरफ से गोरी साहब का खिदमत में तलाई सेट आ रहे हैं खुद, उन्होंने पहली री पवाया है, अपने हाथ ना नहीं पवाते हो, आपका बहुत शुक्रिया, तुसी सलामत रहो, तुहाडे सब ख्वाब पूरे होन, सलाम अलैकुम।